नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सन टैबलेट के बारे में। इसका कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। इसमें फ्लेक्सन टैबलेट होती है, इसमें दो मेडिसिन का कंपोजिशन होता है। इन दो मेडिसिन कंपोजिशन से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। इसमें एक पैरासीटामोल होती है, दूसरा होता है आइबुप्रोफेन नाम की दो दवाएँ होती हैं। इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है वो दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप किसी प्रकार का पेन हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर लोग आपको रिकमेंडेड कर सकते हैं। किसी मेडिसिन को आप सुता ही ना लें, क्योंकि आप सुता लेते हैं तो कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। इसका जो मुख्य उपयोग है, दर्द, सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है या सूजन आ गई है या कोई इन्फ्लेशन हो गया है, उसके लिए दर्द कर दें। अब दर्द की बात कर लेते हैं, जैसे माइग्रेन, सिर का दर्द, पीठ का दर्द या मासिक दर्द या दांत में दर्द हो रहा है या कोई अर्थराइटिस या मांसपेशियों का दर्द है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल, टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का अगर माइग्रेन हो या पीठ का दर्द हो या सिर दर्द हो रहा है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या आपको कोई मासिक, लेडीजों में जो मासिक दर्द होता है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या दांत का दर्द है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, उसके कारण जो दर्द हो रहा है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप इस टैबलेट को दर्द के रूप में लेते हैं या डॉक्टर रिकमेंडेड कर सकते हैं, तो दर्द में इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई यार मेडिसिन आप ले रहे हैं, दर्द की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर से लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। तो इसका दर्द, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें खिंचाव आ गया है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या कोई अन्य मेडिसिन खा रहे हैं तो डॉक्टर को बस बताएं, तभी इस मेडिसिन को लें, क्योंकि अन्य मेडिसिन के साथ इसका कोई अन साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं या आपको अन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। आप ऐसे किडनी, लीवर, अन्य किसी रिलेटेड दवाइयां खा रहे हैं तो डॉक्टर को पहले बताएं। और डॉक्टर जिस प्रकार आपको रिकमेंड करता है उस प्रकार आप इसका डोज लें तो ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। अपने स्वतः ही इस मेडिसिन या टैबलेट का प्रयोग आप ना करें। इसके लेने के बाद अगर कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं तो डॉक्टर को बस बताएं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होती हैं लेने के बाद। जैसे सामान से साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, मिचली आ सकती है, कब्ज बन सकती है, ये सभी साइड इफेक्ट होते हैं। ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर ये समाप्त नहीं होते, लगातार बने रहते हैं, तो डॉक्टर को बस बताएं, उसके बाद ही इस मेडिसिन का प्रयोग करें। तो अगर आपको सामान साइड इफेक्ट लगातार बने रह रहे हैं तो आपने डॉक्टर को बस बताना चाहिए और डॉक्टर के सलाह पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर जिस प्रकार आपको बताता है उस प्रकार इसको आपको लेना चाहिए। ये थी फ्लेक्सन टैबलेट के बारे में जानकारी।